वेलकम टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस अगेन। एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम लास्ट वीक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट माइट बी द सेकेंड लास्ट टॉपिक, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीक। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इम्पैक्ट ऑफ दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रीजंस फॉर दिस रिवॉल्यूशन। Yesterday we discussed about the Reign of Terror, a rule of 1 year done by Robespierre. Robespierre के द्वारा शासन चलाया गया Reign of Terror because of his policies, जो उसकी नीति है उसके अनुसार उसको कहा गया ऐसा। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टरी कि सेंट्रलाइज ना हो किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर, तो उसके लिए डायरेक्टरी बनाई गई थी। अब आज का हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी कोई क्रांति की थी, क्या उन्होंने भी किसी क्रांति में भाग लिया है? यस, वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्यूशंस। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा निराशा कब हुई? ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1791 एंड दे वर डिक्लेयर्ड एज पैसिव सिटीजन। 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया रिवॉल्यूशन के बाद, 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद, तो उस संविधान के अंतर्गत भी महिलाओं को पैसिव सिटीजन माना गया। पैसिव सिटीजन मींस हु डिडंट हैव राइट टू वोट, उस टाइम पर उसको वोट का अधिकार नहीं मिला, तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला और उनकी मुख्य डिमांड क्या थी, वो कम से कम पॉलिटिकल राइट्स तो मिलने चाहिए, तो उनकी लगातार डिमांड थी, लेकिन उस टाइम पर भी उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। और ज्यादातर महिलाएं हु मोस्टली बिलोंग टू द थर्ड स्टेट, हमने पढ़ा था फ्रांस वाज डिवाइडेड टू थ्री डिफरेंट सोसाइटीज, तीन समाज में अलग अलग बांट रखा था, तीन वर्ग में बांट रखा था, क्लर्जी बिलोंग टू चर्च, नोबल्स द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड द थर्ड स्टेट द लोअर सेक्शन और विच कंप्राइज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज आइदर पीजेंट, फार्मर्स, वर्कर्स, क्लर्क्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। तो इसमें जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क डन बाय देम, उनके द्वारा ज्यादातर काम किया जाता था, और दे आर सपोज टू अर्न फॉर देयर लिविंग, अपने गुजारे के लिए उनको काम भी करना होता। व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे वर डूइंग और कौन कौन से काम करते हैं, आइदर सेलिंग ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इन द लॉन्ड्रीज, या कपड़े धोने वाली जगह पर कपड़े धोने का काम करना, फल सब्जियां बेचना, इस प्रकार के काम से, या फिर दे आर सपोज टू वर्क एज ए मेड एट द हाउस ऑफ नोबल्स, तो कुलीन वर्ग का सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उस घर में मेड का काम करते। तो लगातार इसके लिए मांग की, देयर वाज नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, उनको न कोई शिक्षा की व्यवस्था थी और न ही उनको कोई नौकरी के लिए कोई लक्ष्य प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि अच्छी जॉब वो कर पाए। तो 1791 में इसके लिए फिर एजुकेशन की फैसिलिटी केवल अपर सेक्शन था, उनमें जो गर्ल्स थी उनको या तो घर पर या कन्वेंशन में पढ़ाया जाता, जो बिल्डिंग चर्च के द्वारा बनाई गई थी स्पेशली, और उसके बाद उनकी शादियां कर दी जाती। अब 1791 के क्वेश्चन में जब ये नहीं दिए गए अधिकार, देन आफ्टर वुमेन कम विद देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने जिस प्रकार जैकोबिन क्लब्स थे पुरुषों ने बनाए थे समाज में सुधार के लिए, व्यवस्था को चेंज करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए, तो महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। नियरली अबाउट 60 क्लब्स केम अप इन फ्रांस, लगभग 60 के आसपास क्लब नए बने फ्रांस के अंदर, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब उस वक्त महिलाओं के द्वारा बनाया गया। उन्होंने महिलाओं ने न्यूज़पेपर अपने क्लब बनाने के साथ खुद से न्यूज़पेपर वगैरह लिखे, मैगजीन्स वगैरह प्रकाशित की अपने अधिकारों के लिए, तो ये सारा उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स व्हेन द क्वेश्चन पेपर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, एट दैट टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन वन मार्क्स, कई बार आया क्वेश्चन की नेम ए पॉलिटिकल क्लब मेड बाय वुमेन इन फ्रांस, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी इनकी, पॉलिटिकल राइट्स की। व्हाट आर पॉलिटिकल राइट्स? राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड फॉर नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली का विषय चुना, क्योंकि इनका मानना था टिल द टाइम दे आर नॉट गिवन द चांस इन द मैनेजमेंट और हु इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री, जो कि भाग्य तय करते हैं देश का, कानून बनाते हैं, जब तुमको मौका नहीं मिलेगा तब जब तक नेशनल असेंबली चुनी नहीं जाएगी,
their situation can't be changed. तो उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स की मांग की थी कि हमें राइट वोट भी मिले, हमें भी चुनाव लड़ने का राइट टू बी इलेक्टेड फॉर नेशनल असेंबली, तो ये पॉलिटिकल राइट्स की, लेकिन ये अधिकार इनको उस टाइम तक नहीं मिला। हालांकि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन सी थी, विच केम आफ्टर द रिवोल्यूशन इन 1792, 1792 में जब वो क्रांतिकारी राजा के शासन को हटा के और जब शासन संभाला था उस वक्त, और दूसरा विषय क्या बोल सकते हैं, द रूल ऑफ रोबेस्पियर, मैक्सिम रोबेस्पियर ने जब शासन संभाला कुछ समय के लिए, शुरुआत में उसने कुछ छूट दिया, हालांकि पॉलिटिकल राइट्स इसने भी नहीं दी, इसमें हम पढ़ेंगे, इसने कुछ छूट दी, वो छूट कौन कौन सी थी, इसने महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था की, स्टेट स्कूल्स वर मेड, राज्य के द्वारा स्कूल बनाए गए, सरकार के द्वारा स्कूल बनाए गए, एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स, महिलाओं के लिए कंपल्सरी कर दी गई शिक्षा की, महिलाएं ज्वाइन करें, लड़कियों को भेजा था स्कूल। उसके बाद मैरिजेस वर नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ देयर फादर, अब एक और था कुछ टाइम पर पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे कि लड़कियां शादी कहां करेंगी, उसको भी अकॉर्डिंग टू लॉ ये कर दिया गया, इट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़की की सहमति शादी होगी और अकॉर्डिंग टू लॉ कानून के अनुसार रजिस्टर्ड भी होंगी। डायवर्स को भी उस वक्त लीगल कर दिया गया, बोथ कैन अप्लाई, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता, उसके साथ जॉब ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, यानी कुछ सुधार किए। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो शुरुआत में बनी थी, रोबेस्पियर जब शासक बना तो उसने इन द बिगनिंग शुरुआत में कुछ सुधार किए थे, जिसमें की शिक्षा दी गई, लड़कियों को कंपल्सरी कर दी गई, राज्य के स्कूल बनाए गए, जॉब की ट्रेनिंग भी दी गई, उनको शादी संबंधित आजादी भी दी गई, उसके साथ साथ अगर वो इफ दे आर नॉट फील वेल, अगर उनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी कि कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उनको डायवोर्स के लिए फैसिलिटी दी गई, बोथ कैन अप्लाई। अब उसके साथ, लेकिन ये तो सब राइट्स थे जो एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल राइट सबसे ज्यादा जो डिमांड थी उसको इन्होंने भी नहीं दिया, जब यहां तक कि पॉलिटिकल करप्शन को बैन कर दिया गया रेन ऑफ टेरर के दौरान 93-94 जब शासन के रोबेस्पियर ने शुरुआत को छूट देने के बाद, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए और वोमेन क्लब थे उनको बंद कर दिया गया, बहुत सारी महिलाएं उन्होंने की रोशनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था जो लगातार पॉलिटिकल राइट्स की मांग कर रही थी, उनके ऊपर केस चलाया गया और मोस्ट ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड और कईयों को तो फांसी दे दी गई, केवल किस आरोप में, ऑन ट्रीजन, कि आरोप कौन सा लगा कि देशद्रोह, ये देश के खिलाफ व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए फांसी दे दी गई। तो महिलाओं को ये पॉलिटिकल राइट्स तब तक नहीं दिए गए, they had to struggle फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर पॉलिटिकल राइट्स, लंबे समय तक उनको अधिकार के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, नियरली अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर दैट, शुरुआत जो की थी हमने उसके लगभग 200 साल आगे तक उन्होंने इस प्रकार प्रयास किया और 1946 में फाइनली वुमेन गेट राइट टू वोट, 1946 में फाइनली उनको वोट का अधिकार फ्रांस के अंदर मिला। इसमें एक नंबर के अनुसार करें तो वेन वुमेन गेट राइट टू वोट इन फ्रांस 1946, और ये अलग अलग सिचुएशन किस प्रकार उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कब उनको छूट मिली, कौन सी उनकी मुख्य डिमांड्स थी, तो ये सारे, और उसमें एक एग्जाम्पल भी है ओलंपिया दे रोजिस। अब जब हमने 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था फ्रांस का, तो उसकी जो बिगनिंग की शुरुआत किससे थी, कॉन्स्टिट्यूशन मैन एंड सिटीजन राइट्स की, पुरुषों के लिए अधिकार, तो इसने उसका उल्टा कर दिया था, वुमेन एंड सिटीजन राइट्स, तो उसने दूसरी बुक ली थी, उसमें अधिकार दी थी कि महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को अलग कैसे रखा जा सकता है, अल्टीमेटली हालांकि उनके साथ भी वही हुआ, उनके ऊपर केस चलाया गया, देशद्रोह साबित किया गया, उनको फांसी दे दी गई। तो ये थी हमारे वुमेन राइट्स की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट, जो अगला टॉपिक है वो है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। और बॉन्डेड लेबर, अगर आप किसी को भी अपने यहां काम पर रखते हैं बट ही इज नॉट फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजंस आइदर टू क्विट, हो सकता है उसको दुष्णीय काम से छोड़ना चाहे, या फिर भी वो निर्दोष है, By force you are keeping with you to work, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रखना है, स्लेव ये दास प्रथा थी। अब इसको खत्म किया जाए कि नहीं, ये लंबे समय तक विवाद का इश्यू रहा। जब फ्रांस की क्रांति के बाद भी 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली उसने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन कोई इसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती थी,
कि ज्यादातर जो इलाके थे जैसे कैरेबियन है, मार्टिन क्यू है, सेंट डोमिंगो है, वहां प्रोडक्शन होता था टोबैको का, इंडिगो का, सुगर का, कॉफी का, काफी प्रोडक्शन होता था। और दीज वर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, यूरोप में फ्रांस की ज्यादातर कॉलोनीज थी। मोस्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम और मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम फ्रांस डोंट वांट टू मूव इन न्यू स्ट्रेंज लैंड, ज्यादातर लोग वहां से काम करने के लिए फ्रांसीसी कॉलोनी में नहीं जाना चाहते थे। तो इट मींस शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की शॉर्टेज होगी, वहां काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो डिमांड कहां से पूरी की जाती, वो डिमांड की जाती फिर अफ्रीका से, स्लेव ट्रेड किया गया यूरोप और अमेरिका के, यूरोप और अमेरिका में जिन लोगों को रिक्वायरमेंट थी, जो प्लांटेशन का काम करते उनको लेबर की जरूरत होती थी, यूरोप के लोग लेबर के तौर पर काम करने को तैयार नहीं थे इस जगह पर, तो इसलिए वो बाहर से लोगों को बुलाते। उसमें अफ्रीका से जब उन लोगों को ले जाया जाता तो दे वर ब्रांडेड, यहां तक कि उनके ऊपर मार्क लगाया जाता। उसके बाद उनको इस प्रकार हजारों को भरते इस प्रकार शिप के अंदर टाइटली पैक्ड एंड फॉर इट टू टू थ्री मंथ्स वॉयेजेस, लगभग दो से तीन महीने की समुद्री यात्रा में। देखा स्लेव ट्रेड, और ज्यादातर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता है, किस किस के बीच में, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में। और ज्यादातर फ्रांस को सबसे ज्यादा बेनिफिट, दो जो हमारे यहां इसके पोर्ट थे उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, पोर्दो और नेंटिस, ये दो महत्वपूर्ण पोर्ट जहां से कि स्लेव ट्रेड होता था, ये प्रोस्पर बहुत वहां समृद्ध हुए क्योंकि स्लेव ट्रेड के द्वारा बहुत पैसा कमाया गया, अफ्रीका से लेके आते फिर यहां से आगे बेचते। तो ये अब इसमें, लेकिन जब ये स्लेवरी की बात आई तो इसको कुछ समय के लिए, एक बार कुछ छूट दी गई, लेकिन जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, प्लांटेशन ओनर्स बिजनेसमैन थे, उनका काम भी इसी तरह स्लेव से चलता था। इसी जब नेशनल असेंबली स्थापना की गई तो उसमें डिस्कस तो हुआ कि आर द राइट्स टू बी गिवन टू ऑल द पर्संस अंडर द पोजेशन ऑफ फ्रांस, डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ फ्रांस और टू द बेसिक लैंड ऑफ फ्रांस ओनली। उसमें यह डिस्कस किया गया कि हमारे जो बाहर कॉलोनी है उसमें भी अधिकार दिए जाएंगे, या फिर क्यों फ्रांस तक सीमित रखें अधिकारों को। इसके ऊपर कोई डिसीजन किस लिए नहीं लिया गया, डिसीजन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि दीज वर स्टिल विद बिजनेस क्लास, क्योंकि बिजनेस क्लास का मेन इकोनॉमिक अपना रेवेन्यू का बेसिस है, उनको उसके लेबर चाहिए था, और दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट नेशनल असेंबली, और मिडिल क्लास के लोग उस बिजनेस में शामिल थे, उसको कि आपस में नाराज नहीं करो कि रेवेन्यू का इफेक्ट होगा, इसलिए इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। 1848 में कुछ समय के लिए इसके ऊपर रोक लगाएगी, लेकिन ज्यादा 1794 जब गवर्नमेंट बनी, कन्वेंशन क्या थी, नेशनल असेंबली का एक दूसरा नाम। इन द बिगिनिंग स्टेट जनरल वाज देयर, राजा के समय जो पार्लियामेंट इसी लिए जो स्टेट जनरल था, देन आफ्टर 1791 में उसका नाम क्या कर दिया कि नेशनल असेंबली, जब लोगों ने अपनी खुद की असेंबली बनाई इकट्ठे भी मिडिल क्लास से, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस के लिए। उसके बाद 1794 में जब वापिस मीटिंग हुई नेशनल असेंबली के तौर पर, उसका नाम रख दिया कन्वेंशन। उसने 1794 में कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाई, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। जैसे ही नेपोलियन शासक बना उसने स्लेवरी को वापिस लीगल कर दिया। 1848 में फाइनली स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया फ्रांस में, यानी पूरी तरह से स्लेवरी खत्म कब हुई, 1848 में। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए, पहला वुमेन राइट के बारे में कि महिलाओं क्या स्थिति, उन्होंने रिवॉल्यूशन की कि नहीं, किस प्रकार के क्लब बनाए थे और क्या छूट मिली और कौन से अधिकार उनको नहीं मिले, और वोटिंग राइट मिले तो कब मिले। दूसरा था स्लेवरी से रिलेटेड कि स्लेवरी थी क्या, बॉन्डेड लेबर किस प्रकार उसके ऊपर डिस्कस किया गया, और किस कहां से कहां तक होता था, क्यों किया जाता था ये स्लेव ट्रेड, और अल्टीमेटली ये कब खत्म हुआ। गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम थैंक यू।